भारतीय नौसेना ने एक बार फिर से अदन की खाड़ी में एक कमर्शियल जहाज को रेस्क्यू किया। नेवी के मुताबिक बारबाडोस के फ्लैग वाले लाइबेरिया के जहाज पर हूती विद्रोहियों ने मिसाइल से हमला किया था, जिसके बाद जहाज में आग लग गई। इस दौरान 3 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी और 6 लोग घायल हुए थे। भारतीय नौसेना ने जहाज पर मौजूद 21 लोगों को बचाया है। बता दें कि इनमें से एक भारतीय है। जानकारी के अनुसार टू कॉन्फिडेंस नाम के जहाज पर 6 मार्च को हमला हुआ था और ये हूती विद्रोहियों का पहला ऐसा हमला है जिसमें लोगों की जान गई। नौसेना के प्रवक्ता कमांडर ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जहाज पर हुए हमले की जानकारी मिलने के बाद INS कोलकाता को रवाना किया गया था। इस पर मौजूद हेलीकॉप्टर और बोट की मदद से लोगों को बचाया गया। घायलों का इलाज मेडिकल टीम कर रही है और 2 मार्च को लाल सागर में लगातार हो रहे हूतियों के हमलों के बीच पहली बार कोई जहाज डूब गया था। जानकारी के अनुसार हूती विद्रोहियों ने 18 फरवरी को बाबल मंडब स्ट्रेट में रूबिमार नाम के जहाज पर मिसाइल से अटैक किया था। इसके बाद जहाज के क्रू मेंबर्स को ब्रिटिश मिलिट्री ने रेस्क्यू किया।